नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं इस वक्त आपके साथ सौरभ देव। शिवगंज शहर में शुक्रवार को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। दशहरा कार्यक्रम के अध्यक्ष उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद अग्रवाल, तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय, शिवगंज थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित मौजूद थे। समारोह में ऐन कार के प्रतीक रावण के पुतले का भगवान राम का रूप धारण किए युवक ने दहन किया। इससे पहले शहर में राम लक्ष्मण हनुमान व वानर सेना की झांकियां निकाली गईं। दशहरा महोत्सव में आज शाम 7:30 बजे आतिशबाजी की गई। कार्यक्रम स्थल पर राम लक्ष्मण हनुमान वानर सेना आदि की झांकियां निकाली गईं। इसके बाद मेघनाथ कुंभकर्ण रावण के पुत्रों का हरण किया। समारोह में नगरपालिका उपाध्यक्ष मनीष सर्राफ, समय पार्षद, पुलिस उपनिरीक्षक कमलानगर, नगरपालिका कार्यक्रम सहायक नीलकमल सिंह राणावत मौजूद थे। आतिशबाजी करीब 45 मिनट तक चली। समारोह का मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के मुख्य बाजार से भगवान राम संयुक्त परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात शोभा यात्रा दशहरा मैदान में पहुंचने के बाद सैकड़ों की तादाद में दर्शकों के बीच होकर शोभा यात्रा रावण दहन पर पहुंची, जहां पर पूरे पालकी ने दशहरा मैदान में परिक्रमा लगाकर दर्शकों को कार्टून के माध्यम से प्रदर्शनी दिखाई।